HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। गुड़गांवा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और अहिरवाल के दिग्गज नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने वीरवार को देर सांय रेवाड़ी के सेक्टर 3 के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपना जोरदार चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर सेक्टर 3 के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय सिंह यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सेक्टर वासियों को संबोधित करते हुए कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपना चुनावी एजेंडा रखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को गिनवाया। वहीं भाजपा सरकार की 5 साल की नाकामियों पर जमकर गरजे। कैप्टन ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से एक और जहां देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई है, वहीं करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर GST से दोहरी मार पड़ी है, जिसके चलते व्यापार धंधे पूरी तरीके से चौपट हो गए हैं। कैप्टन ने मौजूदा सांसद पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद 5 साल में सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं, कभी भी शहर वासियों के दुख सुख में नहीं पहुंचते। सेक्टर वासियों से अपील करते हुए कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि 12 मई को विकास के नाम पर हाथ के निशान पर वोट लगाकर उन्हें मजबूत बनाएं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने 12 मई को विकास के नाम पर हाथ के निशान पर वोट देने की अपील की। आप लोगों के सामने कि महंगाई खत्म होगी, क्या नोटबंदी से इस देश को फायदा हुआ? नोटबंदी से केवल देश को नुकसान नहीं हुआ, 100 से जो लोग ज्यादा मरे। आप जानते हैं कि नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई और उसी प्रकार से मोदी जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। जो रफेल डील हुआ उसके अंदर मोदी जी ने आज तक जवाब ये नहीं दिया कि जब 126 विमान का सौदा हुआ था, अगर वो कहते हमें विमान चाहिए थे तो उसको घटाकर 36 क्यों किया? इसके ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको डील क्यों दिया? सीधा 36,000 करोड़ का घोटाला है। 80-35 में जब उसके संज्ञान में सारी बातें लाई, इन्होंने गलत आंकड़े पेश किए तो कहा कि हमारे कागजात ही गुम हो गए। और यहाँ तक जुडिशरी खतरे में है, CGI के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने यौन शोषण किया है ताकि उसको दबाव में लाया जाए। ये शर्म की बात है कि आज हमारे जुडिशरी पर दबाव डाला जा रहा है। आज केवल 2 व्यक्तियों की चलती है, एक नरेंद्र मोदी की, एक अमित शाह की। अगर उसकी कोई उपेक्षा करता है तो या तो उसके यहाँ CBI पहुंच जाती है या ED पहुंच जाती है। बहुत सारे हमारे नेताओं इन व्यक्तियों से कि आपके वनेडी के अंदर हमारे सांसद महोदय ने बहुत ही झूठा वादा, झूठा विश्वास दिलाया कि उन्होंने यही मंजूर करवा दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच से अरावली के जो रेडी के अंदर जो जमीन है, क्या वहां से NOC ले लिया आपने? क्या नेशनल ट्रिब्यूनल से उन्होंने NOC ले ली? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने NOC ले ली? क्योंकि वहां की जनता 120-130 दिन धरना पे बैठी, राव इंद्रजीत सिंह एक फरा लेके आ गए और कह दिया मंजूर करवा दिया। ये सरासर झूठ है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुली बहस कर ले, या तो वो दिखा दे NOC, अगर NOC नहीं दिखाते हैं इसका मतलब उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। ने कहा था कि मैं रेवाड़ी को सिंगापुर बनाऊंगा। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या रेवाड़ी सिंगापुर बन गया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनने अपने पास इस साल के टेन्योर में कौन सी एक योजना लेके आए इसके बारे में कुछ कह सके। मैं आपको बताता हूं, मैं यूनिवर्सिटी लेके आया, यहाँ पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी लेके आया। HR News YouTube चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें। HR News चैनल के लिए कैमरा पर्सन रमेश वशिष्ठ के साथ मोहनलाल रेवाड़ी।